आईएमडी वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया, बिहार में 8 जून से हीट वेव जारी है और ये अगले 3 दिनों तक रह सकता है। ये मुख्यतः दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पटना सहित पूरे दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले जैसे कैमूर, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद के लिए रेड अलर्ट और उसके आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगामी 3 दिनों के बाद हल्की आंधी तूफान की संभावना है और हल्की बारिश भी हो सकती है। जैसा कि बात करें जो हीट वेव की स्पेल जो बिहार में चल रही है उसकी, तो ये 8 जून से चल रही है और अभी जो पूर्वानुमान लग रहा है वो अगले 3 दिनों तक और हीट वेव की कंडीशंस बनी रह सकती है। और जो ये हीट वेव की कंडीशंस है वो मेनली साउथ वेस्ट बिहार के जिलों, साउथ सेंट्रल बिहार के जिलों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो जंगल राज को गुंडा राज में बदल दिए थे। हमने जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था। बीच बीच में चोर दरवाजे से जंगल राज वाले लोग घुसकर अपने जंगली मानसिकता के लोगों को पोषित किया। जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उसके इलाज में समय लगता है। देखिए ये वही लोग हैं जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए थे। अरे हमने तो जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था। जो जंगली प्रवृत्ति के मानसिकता रखता था, जो अपराधी बिहार के अंदर सराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस बार नीट परीक्षा में गलती से 6 सेंटर पर गलत सेट का प्रश्न आ गया। कुछ समय बाद उसको संज्ञान लिया गया तो वहीं सही पत्र दिया गया था, उसमें समय की बर्बादी हुई। उसमें 1563 छात्र परीक्षा दे रहे थे। एनटीए ने उसको यहां अप्लाई किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिले। 23 जून को 1563 बच्चों को दोबारा नीट परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा, नहीं तो जो पहले की परीक्षा को जो नंबर है उनको रख सकते हैं। एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई, उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति के सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सीट देने का फैसला किया है। मेरे सहित लोग उस सीट को चाहते हैं, लेकिन चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। मैं इस फैसले से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, हमने पार्टी के लिए ये फैसला लिया है। ये जो निर्णय जो है हमारे कोर ग्रुप के जो लोग है, हमारे मंत्रीगण जो है और एमपी ये प्रफुल्ल पटेल साहब और एमपी और अध्यक्ष हमारे राज्य के तटकरे सब, हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे, हाँ ये भी है, मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए।